सांस लेने दो यार। बाहर आओ, मैं बाहर सबको दिखाऊंगी तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी ने ना कोयला रख रहा है मुंह पे। लाइट सही नहीं थी, अब देखो अब और ज्यादा लग रहा है। अभी ऐसा लग रहा है किसी ने तारकोल फेंक दिया मेरे मुंह पे गरम गरम। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और मैं अभी अभी अपनी जो है दाढ़ी की ट्रिमिंग करा के आया हूँ और मेरी बेबी मेरे लिए बना रही है नाश्ता। और आज बनेगा वो जो मैंने आज तक कभी नहीं खाया, यानी कि पोहा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप लोगों को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग गाइस। मेरा हैप्पी डे है। क्या? अरे पपोहा कहाँ है? पपोहा पहले हम दोस्तों पोहे को भिगो लेंगे। उत्तम ना तो काफी है। तुम भी खाओगी ना? हाँ। मैं नहा लूँ फिर? हाँ, तुम नहा के आ जाओ, तब मैं बना भी दूंगी। चाय भी बनाओगी ना? हाँ, चाय भी बनाओगी। और उसके बाद मेरे को ये शकल लिए हुए हो चुके हैं कम से कम एक साल, शकल पे कुछ भी नहीं लगा है। तो आज मेरी बेबी ने मुझे वादा किया है, मेरी बेबी आज मेरा फेशियल करेगी, ब्लीच करेगी, क्लीन अप करेगी। क्या करेगी बेबी? देखूंगी जो पड़ा होगा वो कर दूंगी। जो पड़ा होगा मतलब क्या? गोबर लगा दूंगी क्या मुँह पे? गोबर मिला दो जो पड़ा होगा। ये क्या होता है? ईंट पड़ी हुई तो ईंट पीस के लगा दोगी क्या? क्या लगाओगी मुंह पे बताओ? देखते ना क्रीम व्रीम क्या है। क्रीम व्रीम मतलब क्या? कुत्ते की क्रीम लगा दोगी क्या? अरे कड़ी पत्ता तो लाने की भूल गई दोस्तों, मैं कड़ी पत्ता लेके आती हूँ। हरा भरा कड़ी पत्ता। राई क्यों नहीं दिख रही मुझे? राई कहाँ है? राई नहीं है तो हम जीरे से काम चला लेंगे। यहाँ बन चुका है पोहा और ये बन रही है मेरी चाय, मतलब हम दोनों की। पहले मैं मेरी वाली निकाल लूंगी, उसके बाद अविनाश की। छोटा किचन में क्या कर रहा है? तो कोई रेसिपी नहीं बन रही बेटा, मम्मा के पास बैठना था। ठीक, तो जी नाश्ता चाय सब हो चुका है, अब होगी चेहरे की पुताई। मेरी बेबी ने निकाल दिया सारा माल मसाला मेरे को और भी चिकना बनाने के लिए। बेबी तुम क्या ढूंढती जा रही हो? मैं पता क्या ढूंढ रही हूँ? अभी अभी मैंने निकाला, ये रहा। तुम्हारे नाक की गुदाई करूंगी ना। गुदाई? ये क्या चीज है? आइसक्रीम की डंडी है क्या? अरे इसी से तो नाक के वो निकलेंगे कलकट्टे। आओ करूँ, मेरे को आता अच्छा करना। मेरे को कहाँ आना है? छह बार आओ बोल चुकी, कहाँ आना है मुझे? यहाँ पे आ जाओ, मुँह के अंदर बैठ जाऊँ आके तुम्हारे? अब बाथरूम में चली गई। अरे अभी बताती हूँ, अभी अभी तुम्हारा मुंह बंद करती हूँ। ये नहीं पहनूंगा मैं, पहनना पड़ेगा तुम्हें। मैं मेरा वाला पहनूंगा, यही वाला पहनना, ये पहनना जरूरी होता है बेबी। बेबी ये तो कोई भी बैंड पहन के हो सकता था ना। ये मेरा नेचुरल फेस है। अब लेट जाओ बेबी। लेट ही जाओ सीधा? हाँ। फिर मेरी आंख बचा के, मेरी आंख का लेजर हुआ याद है ना? मैं आंखों को एकदम वो कर दूंगी तरतुरा। हम जहाँ जाते हैं तुझे ऊपर क्यों आना होता है? बैठ वहाँ कोने में, इतना मोटा गद्दा लगा हुआ है तेरे लिए। चल यहाँ से। आई बड़ी गई अपनी माँ को बुलाने। बेटा पापा की वो हो रही है। वो क्या हो रही है पापा की? फेशियल क्लीन अप कर रही हूँ मैं। एक तो क्लीन अप करके दे रही हूँ। जिसे क्लीन अप का नाम ही नहीं पता, कह रहा है वो हो रही है। बेटा मेरे को इतना अच्छा आता है ना बेबी। अरे मेरे ऊपर क्यों बिठा दिया? बैठ दो, कुत्ता ही तो है ये। पहले मैं थोड़ा सा फेस स्क्रब कर देती हूँ, ठीक है? चोनिया इसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। ओह एक्सपायर हो गया होगा। एक्सपायरी के बाद ना बेबी माल और तुड़तुड़ा हो जाता है। मेरी नाक में चला गया। क्या था? नाक में कुछ नहीं गया। अरे अंदर क्या है यार? अरे कुछ नहीं गया, ये लो बाहर आ गया। मेरा नेचुरल फेस है। तो ये स्क्रब करने के बाद हम मेरे बेबी को अच्छी तरह से निचोड़ लेंगे। अब ये तुम्हारा अच्छी तरह से स्क्रब हो गया है, अब मैं ये क्लीन कर दूंगी तुम्हारा। तुम इतने आज खुश हो जाओगे ना जब मैं तुम्हारे निकालूंगी ये ब्लैक हेड्स। तुम क्यों पहेली में बात करना बंद नहीं कर सकती? ये तुम्हारा पूरा हो गया, मैं इसको पूरा क्लीन कर दूंगी। आज तुम इतना खुश हो गए, मैं तुम्हारा निकालूंगी ना। ये क्या तरीका है बात करने का? जब शब्द ही नहीं है तो क्या जरूरत है बात करने? नहीं है ना शब्द मेरे पास, मैं भूल जाती हूँ। मेरे मुंह में आ गया नमक। नमक क्या है? महंगा है ना, जूसी। मुंह धो क्या हूँ? हाँ मुंह धो लो, एक बार मुंह धो लो, मुंह धो लो जल्दी से। यही धो लूँ क्या? यही धो लूँ, जाना तो पड़ेगा ना उसके लिए। उठो धो तो क्या? मुंह धो लूँ, मुंह धो लूँ बेबी करना है, क्योंकि आई एम वेरी सीरियस अबाउट दिस। ऐसा लग तो नहीं रहा। उठो उठो, क्योंकि मैं स्क्रब कर चुकी हूँ मेरी बेबी का फेस, इतना क्लीन हो गया है ऑलरेडी। अब मैं करूंगी क्रीम से थोड़ी सी मसाज। देखो मेरा मसाज का तरीका, ये रही क्रीम, हाइड्रेटिंग क्रीम है, बहुत बढ़िया वाली। ये तो बाम है। नहीं नहीं बाम नहीं है बेबी, क्रीम है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा करो ना, तुम मेरे को अप्रिशिएट नहीं करते, मैंने देखा है। अप्रिशिएट करना सीख। अभी सिर्फ हुआ है, अच्छा नहीं हुआ। अच्छा कहाँ से आ गया? अच्छा तो होने के बाद बताऊंगा ना। देखो अब होगी शुरू। दाढ़ी पे नहीं करना, स्किन पे करना। दाढ़ी है तो स्किन पे तो मैं क्या करूँ? मेरे को बहुत अच्छा आता है क्लीन अप करना बेबी, ये बात पता है कि नहीं? नहीं पता ना। तो पता कर लो, तुम्हारी आईज पे नहीं जा रही बेबी। मैं Mm.
सांस लेने दो यार, ये भगवान क्या मुसीबत मोल ले रही मैंने। अच्छा एक तो इतना अच्छा करके दे रही हूँ, ये देखो ये होता तरीका जिससे आदमी की सांस रोक के मारा जा सके उसे। देखो तुम्हारी ऐसी स्किन बना दूंगी ना आज मैं कि तुम कहोगे बेबी तुमसे ही कराना है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ऐसी मत कर देना कि मैं कहूँ बेबी अब सिर्फ तुम ही पहचान पाओगे और कोई पहचान ही नहीं पाएगा। अरे मुक्का क्यों मार रही हो? मुक्का नहीं है ये, एक तरीका होता है फेशियल का। ये तरीका नहीं है ये, तो तुम अपने सारे उसका बदला निकाल रही हो। नहीं एकदम चकाचक हो जाएगा मेरा बेबी अभी। बाहर से चकाचक लगेगा, अंदर से जबड़े तोड़ दिए मेरे दबा दबा। अब मैंने साइड पे स्टीमर भी ऑन कर दिया बेबी के लिए। छो क्रीम जा चुकी है एकदम अंदर तक। मेरे को भी लग रहा है मुँह में गई है। मुँह में नहीं स्किन के अंदर। अच्छा तो दोस्तों अब आ गई है अच्छे एक फेशियल के बाद स्टीम की बारी। स्टीम करूंगी अभी मेरे बेबी का मुंह। उठ जाऊं? हाँ। जी ये रहा स्टीमर, ये रहा टॉवल और मुझे ऐसा लग रहा है मैं अभी पुलिस रिमांड से बाहर आया हूँ। अभी तो आया ही नहीं है बौछार। बौछार स्टीम तो आने दो, आ रही है। पानी का है जो स्टीम बनेगा इसमें? मैंने पानी ऑलरेडी डाला हुआ है, उतना ही पानी काफी है। हाँ। कैसा लग रहा है बेबी? ऐसा लग रहा है मेरे साथ जबरदस्ती हो रही है। कहा तो तुमने ही था करने के लिए, करंट तो नहीं मार रहा? लगाया हुआ क्या करंट भी? नहीं कभी कभी मार सकता ना, इलेक्ट्रॉनिक चीज है। 5 मिनट तक लेना है बेबी, उसके बाद मेरी चमड़ी उतार के बेचोगी क्या? पास करता रहता है। एक तो मैं अच्छा कर रही हूँ, मुझे आता है करना, ऊपर से इतनी बकवास। आगे से बाहर करा लेना जाके नाई पे। नाक पे अच्छी तरह से लिए? नाक पे अलग से कैसे लूँ यार? अलग से मतलब अच्छी तरह से ले लिए ना, वो हो गया ना एकदम गरम? नहीं अभी तो गरम ही नहीं हो रहा ठीक से। क्यों दिखाओ? अच्छा आती रही है, इतनी अच्छी स्टीम आ रही है। अब तुमने तौलिया हटा दिया तो 2 मिनट और ले लो। जी मेरा गुड्डू मम्मा छिपाली करने आ गया। हाँ जी मेरे पापा, मेरे गुड्डू के अभी क्लीन अप कर दूँ, मम्मा का छोटा क्लीन अप कर दूँ। हो गया? नहीं नहीं करते रहो, आ जाओ आप गुज्जू। चलो बेबी आ जाओ दिखाओ। अरे दिखाओ तो, दुल्हन क्यों बने हुए हो? हाँ ये हुई ना बात। मुझे लग रहा है तुम ना हाँ। मेरी चमड़ी उतरवा के गरम करके इसकी तस्करी करोगी। नहीं नहीं अब तुम्हारे देखो गरम गरम हो गया ना नाक, अब देखो क्या करना है। इसी में कोई आ गया है। अच्छा मुझे ऐसे दरवाजा नहीं खोलना पड़ रहा, नहीं तो मुझे मारता भी और विश्वास भी नहीं करता कि मैं इसी घर में रहता हूँ। अरे चाकू क्यों सेक रही हो उसमें? चाकू नहीं है ये, ब्लैक हेड रिमूवर है आया बड़ा। बेबी इसको गरम करके दागोगी क्या मेरे को? अभी देखो ना कैसे निकालती, ऐसा निकालूंगी ना याद रखोगे। गरम गरम। अरे क्या करने जा रही हो भाई? देखो ना कैसे निकल रहे हैं फटाफट। अरे क्या निकल रहा है, मुझे नहीं निकल रहा, जो निकल रहा है वो देख क्यों नहीं रहा? देखो ना निकल रहा है, ये देखो निकल रहा है। अरे क्या है वो नाम है उसका कुछ, ये निकल रहा है वो निकल रहा है, ब्लैक हेड। बिना नाम के आधे घंटे से बात कर रही है। वो दे देना उसमें वो डाल के उसका ये ले लेना, और ये देखे उसका छील के उसका वो खींच के उसका निकाल के ढीला कर देना। पता ही नहीं क्या बात है बेबी, कितने अच्छे से निकल रहा है। देखो देखो एक बार देखो देखो ये आप भी देखो, देखो कैसा निकल रहा है। हाँ निकला ना निकला, ये देखो निकला, मोटा सा निकला। लो थोड़ा स्टीम लो, स्टीम लो और लू। हाँ नाक पे लो, नाक पे ना झटपट निकाल दूंगी मैं, गरम गरम होगा तो। जल गया मुझ, जल गया मुझ, जल गया। आ जा बेबी, इतना तो कुछ नहीं होता, निकालना है कि नहीं निकालना है? अरे बाहर ही करवा लेता, बाहर ही ठीक था, कम से कम उसको पैसे देता तो मार तो पाता, तुमसे तो ऊंची आवाज में भी नहीं बोल पा रहा। ये देखो कैसा निकला है, देखो अब दिख रहा है कि नहीं? हाँ चलो आगे बढ़ो, अब बस किसी तरह यहाँ से बच के निकले आदमी, जान बची से लाख हो पाए। तुम्हें तो पता नहीं चलेगा ना, ये देखो दोस्तों कितने सारे ब्लैक हेड्स निकाले मैंने, इसके दिख रहा है काला काला, सारे ब्लैक हेड्स हैं तुम्हारे। मुझे अंडर एस्टिमेट किया था तुमने। तुम्हें कौन अंडर एस्टिमेट कर सकता है भाई, किसकी शामत आई है। बस हो गया? रुको ना बेबी, हो गया क्या होता है? मैं कह रहा हूँ अभी कुछ और भी प्रोसेस बचा है। आखिरी शुरुआत ये थी, तो आखिरी कैसा होगा? मजा आएगा तुम्हें। अब मैं लगाऊंगी टी ट्री ऑयल, टी ट्री का बेबी को फेस मास्क। और वो कब तक लगा के रखना है? जब तक वो सूखेगा नहीं, ठंडा ठंडा लगेगा बेबी एकदम मजेदार। मैं खुद का नहीं करती लेकिन बेबी मैंने तुम्हें करके दिया, एक बार भी उसके लिए थैंकफुल भी नहीं हो तुम। बिल्कुल थैंकफुल हूँ बेबी, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो पहले चूहे पे ही होता है ना, बाद में इंसान अपने ऊपर करता है। चूहे बंदर छिपकली, तो मैं वही बंदर हूँ जिसपे एक्सपेरिमेंट चल रहा है पिंजरे में बंद करके ना, मेरे ऊपर पहले वैक्सीन ट्राई हो रही है फिर लोगों को लग रही है। कोरोना की वैक्सीन का। मेरा बेटा क्या करने आया, कैसा लग रहा है बेबी अभी? ये मेरा नेचुरल फेस है। अरे बिल्कुल नेचुरल फेस है ये, मेरे सच में नेचुरल फेस है। मेरी बेबी ने गोबर रगड़ा, ये मेरा गोबर वाला फेस है। तो जी ये जो मेरा नेचुरल फेस है अब निखर के एकदम ब्यूटी फेस में कन्वर्ट होने जा रहा है, और मैं आप लोग को कहूंगा कि ये बहुत ही अच्छा रूटीन है, आप लोग इसे कृपया फॉलो करें। और इफ यू वांट अ गुड स्किन प्लीज कांटेक्ट संभावना सेठ फॉर दिस नेचुरल फेस। आओ जल्दी, आराम से उछालना नहीं है। अरे तो चिपक गया मुंह पे, निकल ही नहीं रहा। आराम से निकलता है, सब निकलता है। अरे मेरा नेचुरल फेस ही ठीक था, ये मेरा अननेचुरल फेस है। अरे ये तो लग रहा है कि
किसी ने मेरे मुंह पे नाक साफ करके छिड़क दी है। तुझे मेरे बेबी का क्लीन अप हो गया है और बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा। अब ये लास्ट प्रोसीजर है जिसमें से मैं, ये लास्ट प्रोसीजर बचा है जिसमें मुंह पे चप्पलें मारी जाएंगी। कॉटन निकाले, चुप रहो। अभी ये प्रोसीजर बचा है और ये टोनर लगाना जरूरी है। टोनर आपकी स्किन को थोड़ा जल सकता है। थोड़ा, जो पिछले लगाए वही बहुत जल गए भाई। ये थोड़ा जलेगा आपको, आइए टोनर से स्किन एकदम चकाचक हो जाएगी। अरे ये तो एसिड है। हाँ कोई आँख से दूर, आँख से तो दूर है बेबी एकदम। हाँ ये थोड़ा जलेगा, तुम दाढ़ी बनवाई है ना, दाढ़ी बनवाई है ना। हाँ हाँ, नेचुरल फेस है। अब बोलो, ये मेरा आखिरी स्किन ट्रीटमेंट है, इसके बाद कभी नहीं करवाऊंगा। बेकार की बात कर रहा है, बाहर आओ, मैं बाहर सबको दिखाऊंगी तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा हुआ है। फालतू बोलते हो, मैं एक तो मेरे को वो पहले किया, मेरे को आता है, और उसके बाद भी साथ भी ने मेरा मजाक बनाया। आओ बाहर, तुम्हारा फेस दिखाऊं। आ क्यों नहीं रहे हो? देखो फेस तो रहा नहीं, अब कम से कम कंघी तो कर लो। मैं भी आ जाओ ना प्लीज। ये आदमी बहुत इरिटेट करता है भाई, इसको निपटाना आसान बात नहीं है। निपटाना मतलब इसके साथ निभाना। होगी मुंह दिखाई, और मुंह दिखाई के मिलेंगे 100 जूते। चेहरे में तो कुछ खास डिफरेंस नहीं आया, लेकिन अच्छा हो गया। एकदम चकाचक लग रहे हो। ऐसा लग रहा है किसी ने ना कोयला रगड़ा है मुंह पे। देखो ये कैसे काले काले निशान। हाँ क्यों ऐसे काला काले निशान क्यों आ रहा है? क्या किया तुमने मेरे से? ये कौन सी ये कौन सा देखो, अब लाइट सही नहीं थी। अब देखो, अब और ज्यादा लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने तारकोल फेंक दिया मेरे मुंह पे गरम गरम, और तारकोल से मुंह ऐसा हो गया है, लग रहा है मैं सड़क बना रहा था और तारकोल पे गिर गया मुंह के बल। बेबी क्या ट्रीटमेंट किया तुमने, इधर देखना। बेबी यही होता है, फालतू की बातें कर तुम मेरा मजाक बनाते रहते हो। ये एकदम करेक्ट था, यही होता है। तुम कितने सुंदर लग रहे हो बताए। ये ऐसा लग रहा है किसी ने जनरेटर का तेल मेरे मुंह पे फेंक दिया, जो काला तेल निकलता है ना जनरेटर से। बेबी वो तुम्हारी तुम्हारा फेस ही ऐसा है। अब तो कर दिया तुमने, अब क्या नहीं कर पाओगी? जो करना था वो कर दिया तुमने, अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। मैं भी इतने अच्छे दिख रहे हो। अरे वो कुत्ते भी नहीं पहचान रहे मुझे, देखो उनके रिएक्शन देखो। तो देखो ना कैंडी पहचान रही है, तुम्हें ऐसा नहीं है। चलो बेबी, ये बेकार की बकवास करते रहते हो बस। तो आप लोग ऐसा लग रहा है किसी ने ना मेरे मुंह पे चारकोल घिसा है। तो जी ये था बेबी का फाइनल फेस रिवील, और आप ये जरूर बताइए कि आपको मेरा फेस क्लीनअप कैसा लगा। ये बकवास कर रहा है, इसकी बातों में मत जाओ। एंड डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। अभी कभी ठीक नहीं होगा ना बेबी। बेकार की बात बताया, कितना अच्छा लग रहा है तुम्हारा फेस, ये देखो। बेबी अब मैं क्या करूँ, तुम्हारा फेस ही ऐसा है तो।